राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज सभी 15 सवाल लिए जाने पर सभापति ने सदस्यों का जताया आभार। शून्यकाल के दौरान सांसदों ने उठाए सभी जरूरी मुद्दे। सभापति ने सदस्यों को तय समय सीमा में शून्यकाल के नोटिस ऑनलाइन भी जमा करने की दी सलाह। भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए श्रीलंका को 5 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान, श्रीलंका में पकड़ी गई भारतीय मछुआरों की सभी नावों को छोड़ा जाएगा। मीडिया सदन में जनहित से जुड़े ठोस कार्यों के कवरेज को दे तरजीह। संसदीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए टीवीआर श्रेणाय पुरस्कार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह रखने में मीडिया की अहम भूमिका। आतंकवाद से निपटने के लिए सीमाओं की सुरक्षा को चुस्त और दुरुस्त करना जरूरी। लखनऊ में 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। आर्म्स एक्ट में होगा बदलाव। सेंट्रल रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 13 सीटों के लिए होगी वोटिंग। 189 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 37,83,000 मतदाता। नक्सल प्रभावित इलाकों के चलते 3 बजे तक होगा मतदान।